जय जवान जय किसान। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का एक लाल पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए देश के लिए बलिदान हो गया। उन्होंने अंतिम बार रविवार को 12 बजे अपने परिवार वालों को फोन किया था और कहा था कि अब मैं ज्यादा ऊंचाई पर जा रहा हूं, जहां पर फोन नहीं लगेगा और बात नहीं हो पाएगी। जिसके बाद सौरभ राणा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। रविवार दोपहर 2 बजे फोन आया कि सौरभ राणा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सोमवार की रात 2 बजे शहीद सौरभ राणा के पार्थिव शरीर बरेली के सनसिटी विस्तार स्थित उनके घर पर पहुंचा। शहीद सौरभ राणा पाक के सीमा पर आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुए। साल 2014 में भारतीय सेना के 9 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। सौरभ राणा एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने देश की रक्षा खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सौरभ राणा के पिता भी आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं। सौरभ राणा के शहीद होने की खबर लगते ही पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। हर किसी की आंखें नम थी। सौरभ के शहीद होने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सौरभ की माँ, सौरभ की पत्नी और सौरभ के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ और पत्नी बार बार बेसुध हो जा रही है। शहीद के पिता राजकुमार राणा भी आर्मी में कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। शहीद सौरभ के परिवार में उनके पिता राजकुमार, छोटे भाई राहुल, माँ कुसुम देवी, पत्नी संध्या सिंह एवं 2 बेटे 8 साल के रूपेश और 3 साल के हर्ष हैं। बता दें कि सौरभ राणा 29 मार्च को ही अभी लंबी छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे। दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शहीद सौरभ राणा के आत्मा को शांति दे तथा परिवार को इस मुश्किल की घड़ी में सहन शक्ति दे। इन बलिदानियों के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।